हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। एक महीने से थोड़े ज्यादा वक्त के बाद अक्षय कुमार की नई फिल्म खेल खेल में रिलीज हुई है। पिछली फिल्म सरफिरा की तरह ये भी एक रीमेक है, मगर इस बार अक्षय ने अपना दायरा बढ़ाया है, साउथ इंडिया से बाहर निकलकर यूरोप की ओर बढ़े हैं। खेल खेल में 2016 में आई इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स की रीमेक है, मगर इस फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है कि इसे भारतीय परिपाटी में ढालना आसान था बिना फिल्म की आत्मा या सार से छेड़छाड़ किए बिना। फिल्म का एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इस फिल्म से लंबे अरसे बाद अक्षय की कॉमेडी में वापसी हुई है, जो कि खेल खेल में को उसकी तमाम खामियों के बावजूद एक मजेदार फिल्म बनाती है। खेल खेल में की कहानी 7 दोस्तों के बारे में है। ये सब लोग एक शादी अटेंड करने जयपुर गए हुए हैं। वहां शादी की भीड़ भाड़ से दूर ये लोग एक रूम में बैठ के चिल कर रहे हैं। तभी वर्तिका को एक आइडिया आता है कि गेम खेलते हैं। खेल का नियम यह है कि सभी लोग अपने मोबाइल फोन सामने टेबल पर रखेंगे। जिसका भी फोन बजेगा वो सबको बताएगा कि उसका फोन क्यों बजा, साथ ही कॉल मैसेज या मेल का जवाब भी वो सबके सामने ही देगा। फोन का नाम आते ही ग्रुप के पुरुष सदस्य हिचकिचाने लगते हैं, हालांकि उन्हें मजबूरन इस खेल का हिस्सा बनना पड़ता है। इस एक रात में एक एक करके सबके राज खुलने शुरू होते हैं और इस रात के बाद उन सबकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। पिछले दिनों एक तमिल फिल्म आई थी लव टुडे। इस फिल्म का भी कॉन्सेप्ट कमोबेश सेम ही था, मगर वो कहानी सिर्फ एक प्रेमी जोड़े की थी जो आपस में फोन एक्सचेंज कर लेते हैं। फिल्म को बड़ा पसंद किया गया, जल्द ही हिंदी में उसका रीमेक भी बनने वाला है, मगर उसमें अक्षय कुमार नहीं है। खैर, खेल खेल में का विषय भले ही नॉन सीरियस और मजेदार साउंड कर रहा हो, मगर यकीन मानिए जब अपना फोन पासवर्ड समेत किसी के हवाले करना पड़ता है तो चीजें अपने आप सीरियस होने लगती हैं। ऐसा ही कुछ इस फिल्म के साथ भी होता है। फिल्म मजे मजे में शुरू होती है, सभी 7 किरदारों की बैक स्टोरी बताई जाती है। कुछ कहानियां मजेदार हैं, कुछ थकाऊ हैं, मगर साथ आने पर वो इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये फिल्म टूटती शादियों, धोखे, सेक्सुअलिटी और नौकरी करियर की दुश्वारियों जैसे मसलों पर बात करती है। ये सभी बहुत कॉमन मसले हैं जिससे रिलेट करना आसान है। उसके लिए फिल्म को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हालांकि ये फिल्म इन टॉपिक्स को इतने जेन्युइन तरीके से डील नहीं करती कि इससे गंभीरता से लिया जाए। वास्तविक सॉल्यूशन नहीं देती, बस गडमड करके छोड़ देती है, जिससे कॉमेडी और हल्का फुल्का इमोशनल एंगल निकल कर आता है, जो कि फिल्म की मदद करता है। खेल खेल में की सबसे बड़ी USP खुद अक्षय कुमार हैं। इस फिल्म में एक बड़ी एंसेंबल कास्ट को लीड कर रहे हैं। उनके करियर में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है, मगर उनकी कॉमिक टाइमिंग अभी भी इंटैक्ट है। फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जो सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उसमें अक्षय कुमार हैं। इस फिल्म में उन्होंने ऋषभ मलिक नाम के प्लास्टिक सर्जन का रोल किया है, जो कि झूठ बोलने में माहिर है। वाणी कपूर ने उनकी पत्नी वर्तिका का रोल किया है। ये मोबाइल वाला खेल खेलने का आइडिया उसी वर्तिका का था। इस फिल्म से फरदीन खान 14 साल बाद वापसी कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म में एक ऐसा किरदार निभाया है जो कि बड़ा प्रासंगिक है। वो कबीर नाम के क्रिकेट कोच बने हैं जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है। कमबैक के लिए इस किरदार का चुनाव बताता है कि उनकी दूसरी बारी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एमी विर्क और तापसी पन्नू ने पंजाबी जोड़े का रोल किया है जो कि बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी शादी और आपसी इक्वेशन प्रभावित हो रहा है। इस कपल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमने अक्षय की ही गुड न्यूज और तनु वेट्स मनु रिटर्न में देखा है। एमी विर्क के पास करने को ज्यादा कुछ था नहीं, मगर उनका कैरेक्टर सिर्फ फनी सरदार जितना भी नहीं है। तापसी पन्नू का काम मजेदार है। उन्होंने हरप्रीत नाम की लड़की का रोल किया है जो रील्स बनाती है। इस फिल्म में तापसी को देखकर लगता है कि उन्हें और कॉमेडी फिल्में करनी चाहिए क्योंकि वो नेचुरली फनी है। प्रज्ञा जायसवाल और आदित्य सिंह ने तीसरे शादीशुदा जोड़े का रोल किया है। जब तक ये जयपुर शादी अटेंड करने नहीं आए थे तब तक इनकी अपनी शादी मक्खन चल रही थी। यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा झटका इन्हें लगता है, मगर इनका जो सबप्लॉट है वो बहुत टिपिकल है, उसमें बिल्कुल भी नयापन नहीं है और आदित्य अपने रोल में स्टिफ लगते हैं। खेल खेल में एक साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म है। इसकी भी अपनी खामियां हैं। ये मनोरंजन के लिए यथार्थ का दामन छोड़ देती है। कई मामलों में ऐसा होता है कि न माया मिली न राम, मगर ये फिल्म अपना एंटरटेनमेंट क्वेश्चन बचा ले जाती है। यही इसकी जीत है। हिंदी फिल्म का हीरो नैतिक रूप से कभी गलत नहीं होता है। ये मानसिकता कई फिल्मों को ले डूबी है। खेल खेल में वहां जाती है मगर तक से वापस लौटती है। कुछ एक मौकों पर फिल्म ज्ञान झाड़ने की भी कोशिश करती है, मगर सेक्सुअलिटी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करने को नैतिक दबाव में प्रीति नहीं कहा जा सकता। खेल खेल में अपने नाम को चरितार्थ करती है। इस फिल्म का मकसद है आपका मनोरंजन करना। उसकी ये हर संभव कोशिश करती है, अधिकतर मौकों पर सफल भी होती है। एजुकेट करने की जिम्मेदारी भी अपने कमजोर कंधों पर उठाने का प्रयास करती है। नाकाम ही सही, मगर इस एफर्ट के लिए फिल्म को थोड़े बहुत अंक मिलने चाहिए। बाकी क्लीन कॉमेडी फिल्म है जिसे फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता है। ये हमारा मानना है। आप भी फिल्म देखकर बताइए आपको फिल्म कैसी लगी। आप हमारी राय के साथ कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हूं श्वेता अंकुर, आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।